असलम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजोफ्लेक्स। हम डॉक्टर आयशा। सो हम डिस्कस कर रहे थे डर्माटोम्स। डर्माटोम्स हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट के जो है वो लास्ट वीडियो में देख लिए थे। अब हम देखते हैं अपर लिम के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको पहले इस बॉक्स जो से है आपको समझाया था, फिर मैंने आपको ड्रॉ करना भी बताया था और साथ में किस एरिया को कौन सी नर्व अप्लाई करी है विद नेम भी बताया था। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हम इस पोर्शन इस ब्लॉक को देख लेते हैं जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आपने इसमें करना क्या है, ठीक है, आर्म, फोर आर्म, पाम और जो फैलिंग्स है हमारी उनको ये आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, मैंने भी इसी को जो है वो ज़्यादातर फॉलो किया है, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जो आर्म है ना, आर्म को हमारे पास क्या कौन सी नर्व सप्लाई करती है, C5, ठीक है। इसी तरह अगर फोर आर्म की बात करें तो फोर आर्म को 6, 7 और 8 नर्व सप्लाई जो है ना वो करती हैं। और अगर हम इसकी बात करें हमारी जो पाम की और प्रॉक्सिमल और डिस्टल फेरिंग्स वगैरह की, तो आपने क्या करना है कि इसको जो पाल और प्रॉक्सिमल फेरिंग्स है ना उसको इस तरह से एक बॉक्स में डिवाइड कर देना है, इस तरह, ठीक है। तो ये वाला जो बॉक्स है ना इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं, 6 और 7, ठीक हो गया। ओके, अब बाकी ये वाली जो नीचे बचती है उसको हमारे पास कौन करती है, C7, ठीक है। और बाकी जितना भी पोर्शन है उसको कौन सप्लाई करी है, C8। इसमें ये वाला भी पोर्शन साथ में इन्वॉल्व होता है C7 के लिए, ठीक है। तो इन सबको जो है वो C7 सप्लाई करी और बाकी ये ज़्यादातर जो पोर्शन है उसको C8 सप्लाई करी है, ठीक है। तो ये C8 जो है वो हमारी 4 आर्म तक सप्लाई कर रही होती है। ओके, अब हम जो है इसको ड्रॉ कैसे करना है वो देख लेते हैं। अभी मैं आपको ये वाली डायग्राम ड्रॉ करना नहीं बताऊंगी, इसका मैंने एक शॉट भी बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो सबसे पहली वीडियो है डर्माटोम्स की उसमें भी मैंने इसको ड्रॉ करना आपको बताया है, तो मैं बार बार नहीं बताऊँगी। अच्छा, अब जब हम इंटीरियर कंपार्टमेंट देख रहे थे उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने रिस्ट के ऊपर एक डॉट लगाया था और नीचे 2 लाइन्स ड्रॉ की थी और 2 हम ऊपर लेके गए थे और एक हमने यहाँ पे एक साइड पे ड्रॉ की थी, 3 टोटल्स लाइन थी उसमें, ठीक है। ओके, हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें आपने क्या करना है, आपने ना 4 आर्म जो है ना वहाँ पे एक डॉट लगाना है, ठीक हो गया। और इस डॉट के एक इस साइड पर लाइन खींच देनी है और एक इस साइड पर लाइन खींच देनी है, राइट। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ना यहाँ से 3 लाइनें खींचनी है, एक जो है वो आपने ऐसे थंब के साथ मिला देनी है, दूसरी जो है वो आप ऐसे नीचे को ले आएंगे ये, ठीक है, यहाँ पे। फिर एक आप जो है वो बाद में एक छोटी सी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, बल्कि ये मेनली जो है आपने यही 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। ओके, हो गया। अब किस पोर्शन को कौन सी नर्व सप्लाई करी है उसकी बारी आ जाती है। अब हमारे पास जो थंब वाली साइड है ना उसको कौन सप्लाई करी है, C6, ठीक है। और जो बाकी मिडल वाला पोर्शन आ जाता है उसको कौन है, C7। और बाकी ये जो सारी है उसको क्या करी है, C8 सप्लाई करी है। लेकिन सिर्फ एक थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है थंब वाली साइड पर जिसको ऊपर C5 सप्लाई करती है। तो आपने जो है ये जो इस तरह से एक लाइन ये ऊपर जो है ये सारी C5 सप्लाई करी है, तो 1, 2, 3 लाइनें होगी, ठीक है। ऊपर C5 सप्लाई करी है, ये हमारे पास बाकी C6, C7 और ये C8, ये सारी जो ऊपर जो है वो C हमारे पास 7 ही जा रही है। ओके, बॉक्स के साथ टैली कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो ऊपर आर्म है उसको C5 सप्लाई करी है मेनली, ठीक है। इसके बाद अगर 4 आर्म की बात करें तो 6, 7, 8 सप्लाई करी हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम नीचे बात करें पाम की और प्रॉक्सिमल डिस्टल फेरिंग्स वगैरह की, इसकी ना मैं थोड़ी सी और डिटेल बता देती हूँ आपको कि ये हमारी जो डिस्टल और मिडल और डिस्टल फेरिंग्स हैं और ये वाला जो इतना पोर्शन है, ठीक है, उसको कौन सप्लाई करती है, उसको हमारे पास करती है मीडियन नर्व। इसको कौन सी नर्व सप्लाई करी है, मीडियन। मीडियन मैंने आपको कैसे बताया कि 3 जब चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी ये वाली, तो इसका क्या मतलब है कि वो मीडियन नर्व है। और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको कौन सप्लाई करती है, अल्नर नर्व। ओके, और बाकी ऊपर हमारे पास क्या है, सारी रेडियल नर्व है, ठीक है। मेजर जो पोर्शन है ना सेंटर में वो क्या है, रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है।
जो ज़्यादातर पोर्शन है वो रेडियल नर्व सप्लाई करी है, फिर ऊपर जो डेल्टॉइड की आ जाती है बात ये वाली, यहाँ पे हमें पता है कि एक्जिलरी नर्व ही सप्लाई करती है। डेल्टॉइड को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? एक्जिलरी नर्व सप्लाई करती है। ज़्यादातर पोर्शन जो है वो हमारे पास कौन सप्लाई कर रहा है? रेडियल नर्व सप्लाई करी है, लेकिन जो ये वाला थोड़ा सा पोर्शन है इसको मीडियन नर्व, और जो हमारी जो फिंगर्स वाला यहाँ से नीचे वाला थोड़ा सा पोर्शन है ये वाला, उसको जो है वो अल्लर नर्व सप्लाई करी है, ठीक है। और बाकी ऊपर ये जो सारा है यहाँ से और ऊपर तक, उस सबको कौन सी नर्व सप्लाई करी है? रेडियल नर्व सप्लाई करी है। और थोड़ा सा फिर पोर्शन आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, अगर हम डिस्कस करें तो वो उसको मस्कुलोकुटेनियस नर्व सप्लाई करी है, और यहाँ से फिर T1 और T2 बहुत माइनर सा सप्लाई करती हैं, तो उसको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने मेजर जो चीज़ याद रखनी है एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, वो ये याद रखना है कि अगर हम एंटीरियर की बात करेंगे तो मस्कुलोकुटेनियस की बात ज़्यादा होगी, ठीक है, और अगर हम पोस्टीरियर की बात करेंगे तो रेडियल नर्व ज़्यादा सप्लाई करेगी। और एक चीज़ ये रखनी है कि अल्लर नर्व किस साइड को सप्लाई करी है, मीडियल नर्व किस साइड को सप्लाई करी है, ठीक है, और रेडियल नर्व किस तरह सप्लाई करी है। तो ये बात मैंने बार बार आपको बता दी है कि जब हम अल्लर की बात करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आ जाता है ना वो अल्लर नर्व है, ये दो उंगलियाँ, ये जो हमारी रिंग फिंगर है ये सारी नहीं आती, ये हाफ आती है, ओके। और जो बाकी सारा इस वाले साइड वाला पोर्शन है, अगर हम इंटीरियर की बात करेंगे तो ये मीडियल नर्व सप्लाई करेगी। इसी तरह अगर हम पोस्टीरियर की बात करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस साइड से देख लो या फिर इस साइड से, तो ये वाला जो पोर्शन है उसको अल्नर सप्लाई करेगी, इसको सारी रेडियल सप्लाई करेगी, और ये वाली जो थोड़ी सी जगह है मिडल और डिस्टल फैरिंक्स की, इसको हमारी कौन सी नर्व सप्लाई करती है? मीडियल नर्व सप्लाई करती है। सो दैट्स इट, बस इतना ही है इसमें, आई थिंक सो इतनी कोई मुश्किल बात तो नहीं थी, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।